إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم انتہائی قابل صدق کریم سامعین گرامی گزشتہ جمعۃ المبارک میں موسم سرما کی آمد پہ کچھ شرعی احکام و مسائل کے حوالے سے ہم نے آگہی حاصل کی اسی مضمون کا کچھ بقیہ حصہ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے موسم سرما میں نماز کے متعلقہ احکامات کے حوالے سے بات جاری تھی نماز کے متعلقہ پانچ پہلو ہم نے بیان کیے تھے اور ان میں سے چھٹا پہلو یہ بھی ہے اگر شدید سردی کا موسم ہو اور اس موسم میں شدید قسم کی بارش بھی ہو اور ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر بار بار مسجد میں آنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ رخصت عطا کی ہے کہ مسجد میں آ کے دو نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے میدان عرفات میں مزدلفہ ہو یا عام سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ شرعاً جائز ہے اور ان کے علاوہ بعض اور بھی ایسے مقامات ہیں بعض ایسے حالات ہیں کہ جن میں شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کے لیے نمازوں کو جمع کرنا اس کو روا رکھا ہے اور اس کے جائز ہونے کے بارے میں رخصت عطا کی ہے امام نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں
हत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन शदीद सर्द रात में मुकामे जजनान पर अजान कही और अजान के अंदर उन्होंने ये कलिमात भी अदा किए कि अला सल्लू फिर रिहाल, खबरदार आगाह हो जाओ, मौसम की खराबी की वजह से सभी मुसलमान अपने अपनी जगहों पे जहां जहां वो मौजूद हैं वहीं वहीं नमाज अदा कर लें। और ये अजान पढ़ने के बाद जनाबी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल लैलतिल बारिदा अविल मतीरा फिस सफर, शदीद सर्द रात में या शदीद तूफानी किस्म की बारिश हो जिनमें मस्जिद में आने में दुश्वारी का सामना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुअज्जिन को अजान कहने का हुक्म देते और मुअज्जिन को ये भी फरमाते कि अजान के बाद ये कलिमात कह दे अला सल्लू फिर रिहाल, मुसलमानों जहां जहां मौजूद हो अपनी अपनी जगहों पे नमाजें अदा कर लो। और ये सही बुखारी में 632 नंबर और सही मुस्लिम में 679 नंबर पर 97 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। नमाज के हवाले से सातवां पहलू, नफल नमाज चूंकि घर में अदा करना मस्जिद में पढ़ने की निस्बत ज्यादा अफजल करार दिया गया है, फर्ज नमाज के लिए मस्जिद का रुख करना चाहिए और जब नवाफिल का एहतमाम करना हो, एक आदमी तहज्जुद पढ़ना चाहता है अगर वो घर में पढ़ता है तो उसके अलग से फवायद और समरात है। और वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। नमाज का कुछ हिस्सा जो बकिया है वो सुनतें हैं, नवाफिल हैं, वो घर में भी अदा किया करो। तो अगर कोई शख्स घर में नवाफिल का एहतमाम करना चाहता है और सर्दी की वजह से कोई मुनासिब जगह नहीं बन पा रही या ये है कि एक आदमी बिस्तर पर है, मरीज है, साहब फिराश है और बुढ़ापे की वजह से वो खड़ा होके नमाज भी अदा नहीं कर सकता, तो शरीयत ने ये रुख्सत अता की है कि वो मरीज आदमी या जिसके पास जगह की किल्लत है और सर्दी के लिए वो किसी और जगह का रुख नहीं कर सकता, वो अपने बिस्तर पर ही नमाज पढ़ सकता है। बिस्तर चाहे मर्द का हो, बिस्तर चाहे औरत का हो, इसमें शरीयत ने कोई फर्क नहीं बयान किया। लेकिन ये जवाब, ये शर्त रवा रखी है कि जैसे नमाज के लिए किसी भी जगह का पाक होना जरूरी है, ऐसे ही उस बिस्तर का, उस चादर का या उस चारपाई का पाक होना जरूरी है। वो बिस्तर जो है वो नजस या पालीद नहीं होना चाहिए। सही बुखारी के अंदर 382 नंबर पर रिवायत है, रावी बयान करते हैं कि सल्ला अनस अला फिराशी, सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास जनाब अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बिस्तर पर नमाज अदा की, अपनी चारपाई पे उन्होंने नमाज अदा की। और सही बुखारी की ही एक और रिवायत में सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले सल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए बेदार होते, आप बावजू होके नमाज़े तहज्जुद का इहतमाम फरमाते, जब आप कयाम की हालत में होते, मैं सामने बिस्तर पे अपनी जगह पे लेटी होती थी, मेरे पांव अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करने की जगह पे आ रहे होते, हालते कयाम में आप खड़े रहते, मेरे पांव लंबे रहते, जब आप सजदे में जाने लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पांव पे हाथ मार देते
और मैं समझ जाती कि आपने अब सजदा करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पांव को इकट्ठा कर लेती, समेट लेती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिस्तर पर ही, उसी जगह पर ही सजदा फरमा लेते थे। तो इससे पता चलता है कि बिस्तर चाहे मर्द का हो चाहे औरत का हो, बिस्तर पाक होना चाहिए, उस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। आठवां मसला नमाज के हवाले से, सर्दियों के मौसम में अगर एक आदमी सर्दी की शिद्दत की वजह से अपने करीब आग का एहतमाम कर लेता है, हीटर जला लेता है, या किसी और जरिए से भी उसके सामने अगर आग जल रही है, अफजल ये है, बेहतर ये है कि वो आग वाली चीज को अपने दाएं या बाएं कर ले। अगर वो शकूको शुभा से बचना चाहता है, लेकिन अगर हीटर उसके सामने है या दीवार में फिक्स है और वो आगे पीछे नहीं हो सकता और वो सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, सामने आग जल रही है, तो इसमें भी कोई कबाहत वाली बात नहीं है, शरण ये भी जायज है। बात साथी जो है वो सामने आग हो, तंदूर हो या कोई भी ऐसा मामला हो, वो उसके सामने नमाज पढ़ने को मकरूह ख्याल करते हैं। हालांकि बेशुमार रिवायात हैं, जैसा कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर एक रिवायत है जनाब हसन बसरी रहमहुल्लाह के अपने अमल के बारे में आता है कि अन्नहु करिह सलात इला तन्नूर वकाल बैत नार। जनाब हसन बसरी रहमहुल्लाह तन्नूर वगैरह के सामने नमाज पढ़ने से कराहत किया करते थे, नापसंद ख्याल करते थे और फरमाया करते थे कि ये आग का घर है तो मैं इसके सामने नमाज नहीं पढ़ सकता। और ये सिर्फ इसलिए ताकि मजूसियों की मुशाबहत से बचा जाए, ये उनका जाती ख्याल था। जबकि अगर कोई शख्स मौसम सरमा में सर्दी से बचने के लिए सामने हीटर लगा लेता है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आग के सामने नमाज पढ़ना साबित है। सही बुखारी में 431 नंबर रिवायत है, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई और आपने नमाज के बाद फरमाया कि उरीतु नार फलम अर मंदरन कल यौम कत्तु अफदा। नमाज के दौरान मुझे आग दिखाई गई, मेरे सामने जहन्नुम को पेश किया गया और इतना अंतोहनाक मामला, दिल को दहला देने वाला मामला आज से कबल मैंने कभी नहीं देखा। तो अब आपके सामने आग को पेश किया गया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नमाज को जारी रखा। ऐसे ही एक और हदीस के अंदर भी अल्फाज हैं कि आग आपके बिल्कुल ऐन सामने लाकर पेश की गई। इससे ये आपको इश्काल हो सकता है कि हो सकता है कि वो जहन्नम की जो आग है वो दाएं से दिखाई गई हो, बाएं से दिखाई गई हो, जबकि रिवायत के अल्फाज से वाजे मालूम होता है कि आग आपके ऐन सामने लाकर पेश की गई। जैसा कि सिहाबा के अल्फाज हैं सही बुखारी में 748 नंबर पे, सिहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रअयनाका तनावलत शैअन फी मकामिक। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नमाज पढ़ा रहे थे हमने महसूस किया कि आप नमाज के दौरान अचानक अपनी जगह से पीछे हटे और सुमर अना का तकाका। पहले हमने महसूस किया कि नमाज के दौरान आपने किसी चीज को आगे होके पकड़ने की कोशिश की है और फिर अचानक आप अपनी जगह से पीछे हट गए, तो ये क्या मुआजरा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील बयान की कि पहले जन्नत के फलों का एक खोशा मेरे सामने पेश किया गया और मैंने उसको हासिल करना चाहा, लेकिन कुछ ही लम्हात के बाद मेरे सामने जहन्नुम का मंजर भी पेश कर दिया गया, जिससे खौफ ज़दा होके अपने आप को बचाते हुए मैं पीछे हटा। तो इन रिवायात से वाजे मालूम होता है कि आपका बिल्कुल पीछे की तरफ आना
इस बात की वाज़े दलील है कि आग आपके बिल्कुल सामने पेश की गई, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को जारी रखा। सर्दियों के मौसम में लिबास से मुतल्लिका भी कुछ अहकामों मसाइल शरीयत ने हमें सिखलाए हैं। एक चीज ये है कि गैर मुस्लिम लोगों का इस्तेमाल शुदा लिबास पहनना, आप जानते हैं कि जैसे ही सर्दी की आमद आमद होती है, बहुत सारे हमारे मुआशरे के जो मुतवस्सित तबका है, गरीब लोग हैं, वो ऐसे बाजारों का रुख करते हैं, ऐसी दुकानों का रुख करते हैं जहां पर इस्तेमाल शुदा गर्म लिबास मुयस्सर आते हैं, या इसके अलावा सर्दी के बचाव के लिए कुछ चीजें हासिल करने के लिए बाजारों में जाते हैं। लेकिन चूंकि वो लिबास, वो जर्सियां, वो स्वेटर, वो चादरें या दीगर इस तरह की अशिया, वो अमूमन गैर मुस्लिम लोगों की इस्तेमाल शुदा होती है, तो उसमें शरी एतबार से हुक्म ये है कि उनको लाके अच्छी तरह धो लिया जाए और धोने के बाद फिर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। दूसरे नंबर पे तस्वीर वाला लिबास ज़ेबतन करना, अगर उसी बाजार से कुछ ऐसी जैकेट मिलती है, कोई ऐसा स्वेटर या जर्सी, कोई ऐसा लिबास सामने आ जाता है जिस पे तस्वीर बनी हुई है, और बिलखसूस ऐसा लिबास गैर मुस्लिमों का इस्तेमाल शुदा जिन पर उनके मजहबी शियार की अलामत बनी हो, मसलन ईसाइयों का सलीब बना हुआ है, या किसी और गैर मुस्लिम जो कौमें हैं उनका मजहबी कोई अलामत बनी हुई है, या किसी और जानवर की तस्वीर बनी हुई है, तो उसके बारे में हुक्म यह है कि उस तस्वीर को वहां से उखेड़ दिया जाए या उसके ऊपर धागे वगैरह से रफू करवा लिया जाए जिससे उसकी शक्ल और तस्वीर जो है वो मसख हो जाए, और उसके बाद उस लिबास को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन तस्वीर की हालत में उस लिबास को पहनना फिर उनमें नमाजें अदा करना ये दुरुस्त नहीं है। तीसरे नंबर पे बसावकात कई लोग, खासकर हमारे मुआशरे के अंदर भी, जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, वडेरे किस्म के लोग, चौधरी किस्म के लोग, जरूरत से ज्यादा लंबा लिबास पहनने में फख्र महसूस करते हैं। याद रखें कि लिबास जरूरत से ज्यादा लंबा पहनना, और इतना लंबा जो टखनों से नीचे जा रहा हो, उसको संभालने में दुश्वारी का सामना करना पड़े, या वो जमीन पे घसीट रहा हो, तो ऐसे लिबास इस्तेमाल करना शरण हराम है। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, सही बुखारी में 735 नंबर रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैनमा रजुलुन यजुर्रु इजारा खसीफ बिही فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه, एक आदमी अपने घर से निकला, लिबास जेबतन किया है और लिबास इतना लंबा है कि जमीन पे घसीट के चलता है, तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे तक लटक रहा है, अल्लाह ताला को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया, रब ताला ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, जमीन फटी और वह जमीन के अंदर धनस्ता चला गया। आपने फरमाया कि कयामत तक वो आदमी जमीन के अंदर धनस्ता ही चला जाएगा। तो अपने कपड़े को गुरूर और तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे रखना अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, रब ताला फरमाते हैं कि अल किबरु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, तकब्बुर मेरी ऊपर लेने वाली चादर है और अजमत बुलंदी शानो शौकत ये मेरा इजार है। फमन नाज़अनी मिन्हुमा फअज़्ज़बतुहु, जो शख्स इन दो चादरों में से कोई भी चादर मुझसे छीनने की कोशिश करे, अपने अंदर तकब्बुर पैदा करना चाहे, अपने अंदर फखर और गुरूर और बढ़ाई अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे, तो फरमाया कि ऐसे शख्स को मैं अजाब में मुबतला कर दूंगा। इंसान को रब ताला ने मट्टी से पैदा किया है और आजजी ही इंसान पे जचती है, गुरूर और तकब्बुर जो है ये इंसान के लायक नहीं है। अब तीसरे नंबर पे मौसम सरमा है, इसकी आमद है, इन दिनों के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे
कि फितरी और तभी चीजों को हमें तस्लीम करना चाहिए। कई साथियों को आपने देखा होगा कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है या जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, कुछ लोग गर्मी को नापसंद करते हैं, सर्दी को पसंद करते हैं, और कुछ लोग सर्दी को नापसंद करते हैं, गर्मी को मौसम को पसंद करते हैं। मौसम गर्मा हो या सर्मा हो, बहार हो या खिजा हो, ये सारे लैलो नहार का बदलाव जो है, दिन रात का आना जाना, मौसमों की तब्दीली, ये रब ताला के हुक्म से है। इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला के फैसलों पे रजामंदी का इजहार करे, दिल की खुशी से उनको तस्लीम करे। कुरान मजीद में रब ताला फरमाते हैं कि असा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। मुमकिन है कि कुछ चीजें बजाहिर तुम नापसंद करते हो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उनके अंदर खैर रखी है, जबकि कुछ अशिया ऐसी हैं जो बजाहिर बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी उनकी नमूदो नुमाइश है, इंसान को अपनी तरफ खींच लेती हैं, जाज़बे नजर लगती हैं, इंसान उनको पसंद करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए उन चीजों में शर रखी होती है। इसलिए जो अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं, रब ताला के फैसले हैं, उनको तस्लीम करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे, मौसम हो सर्दी का या गर्मी का, बहार हो या खिजां हो, किसी भी मौसम को बुरा भला कहना, उसके बारे में अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये शरण जायज नहीं है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं सही बुखारी में 4826 नंबर और सही मुस्लिम में 2246 नंबर पर रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला से बयान करते हैं, हदीस कुलसी है कि रब ताला फरमाते हैं, युअज़ीनी इब्न आदम, आदम का बेटा मुझे इजा देता है, तकलीफ देता है, और एक रिवायत के अल्फाज है कि आदम का बेटा मुझे गाली देता है। फिर रब ताला ने उसकी वजाहत फरमाई कि आदम का बेटा मुझे तकलीफ कैसे देता है, युसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, ये इंसान जमाने को बुरा कहता है, सर्दी के मौसम को बुरा कहता है, गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती, बुरे भले अल्फाज बोलता है, उतार चढ़ाव जिंदगी के अंदर आता रहता है, ये जमाने को बुरा कहता है। आपने फरमाया कि ये जमाने को बुरा कहता है और जमाने का चल चलाओ का मामला मेरे हाथों में है, तो गोया कि ये शख्स मुझे गाली दे रहा है। वह आनत दहर, मैं जमाना हूं, जमाने को बेचने वाला, दिन रात का निजाम चलाने वाला, युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार, दिन रात की जो गर्दिश है ये रब ताला के हुक्म से होती है। फरमाया कि ये बंदा गोया के मुझे गाली देता है, युकल्लिबुल लैला वन नहार, ये दिन रात का मामला मेरे हुक्म से चलता है। और दूसरे नंबर पे, मौसमों की तब्दीली से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने ये शान रखी है, ला यरून फीहा शमसं वला ज़महरीरा, जन्नत के अंदर ना तो शदीद गर्मी होगी और ना ही शदीद किस्म की सर्दी होगी जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि दरमियाना मौसम होगा, ना तो सर्दी होगी ना गर्मी का मामला होगा। तो आज रब ताला की तरफ से जब मौसमों की तब्दीली होती है, शदीद गर्मी का मौसम हो, कभी कभी हमें एसी भी जवाब देते नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि वो रब ताला फिर ऐसे अय्याम को फेर देता है और ऐसा मौसम ले आता है कि हमें वो गर्मी भूल जाती है और फिर सर्दी इस कदर लगती है कि हमें मजीद लिबास अपने ऊपर ओढ़ने की जरूरत महसूस होती है। तो जो रब ताला ऐसे निजाम को चला रहा है, दिन को रात में बदलता है और रात को दिन में बदलने पर कादिर है, सर्दी को गर्मी में और गर्मी को सर्दी में बदलने पर कादिर है, उस रब ताला के फैसलों को हमें तस्लीम करना चाहिए। रब ताला की तरफ से नाजिल शुदा अहकामात पे हमें अमल दरामद होना चाहिए और उसके बारे में किसी किस्म की जुबान दराजियां नहीं करनी चाहिए। रब ताला फरमाते हैं, युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार, ये दिन और रात का जो निजाम है ये इसका हेर फेर अल्लाह ताला करते हैं। इन फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, इसके अंदर अकल वालों के लिए अल्लाह ताला ने एक निशानियां रखी है, इबरत रखी है।
तो ये मौसमों के हेर फेर से हमें रब ताला का तारुफ होता है, अल्लाह ताला की पहचान होती है कि कोई जात ऐसी है जो ये सारा निजाम चला रही है। उन लोगों के बारे में हमें उनको उनका रद्द करना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि ये निजाम खुद ब खुद चल रहा है, कोई रब का वजूद ही नहीं है। मा युहलिकुना इल्ला दहर नमूतु व नहिया, हम मरते हैं कुछ जिंदा हो जाते हैं कुछ पैदा होते हैं। फरमा कहने लगे हैं कि मा युहलिकुना इल्ला दहर, ये जमाने का निजाम है, हम मर जाते हैं कुछ पैदा हो जाते हैं, किसी खाली का वजूद नहीं है। तो ये दिन रात के निजाम में मौसमों की तब्दीली में रब ताला ने अपनी पहचान रखी है। और तीसरे नंबर पे हमें रब ताला से आफियत की दुआ करनी चाहिए। सर्दी लगे या गर्मी लगे अपने बचाव का सामान करना चाहिए जितनी किसी को अल्लाह ताला ने इस्तेताअत दी है। और मौसमों की तब्दीली की वजह से बसा औकात इंसान को बीमारियां भी लग जाती हैं, गला खराब है, जुकाम है, बुखार है, नजला है, इस तरह की जो बीमारियां लग जाती हैं, किसी वजह से इंसान पर कोई आजमाइश आ जाती है, तो इंसान को चाहिए कि रब ताला से आफियत का सवाल करता रहे। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं, सुनन तिर्मिजी के अंदर 3515 नंबर पर यह रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो जो भी रब ताला से मुनाजात करता है, इंसान जो जो भी रब ताला से फरियादें करता है, मांगता है, उन तमाम फरियादों में से, मांगी हुई चीजों में से सबसे ज्यादा महबूब चीज जो अल्लाह के यहाँ है और जो मुझे पसंदीदा है वो ये है कि इंसान रब ताला से तमाम तर बीमारियों से, फितनों से आफियत का सवाल करे। और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला की एक रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अय्युद दुआ अफजल, अल्लाह के रसूल कौन सी दुआ जो है वो अफजल तरीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल रब्बकल आफिया वल मुआफात फि दुनिया वल आखिरा, रब ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। सुम्म अताहु फिल यौम अस्सानी, दूसरे दिन फिर आता है वही सवाल दोहराता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि अल्लाह ताला से आफियत तलब किया करो, ऐ अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत के तमाम जाहरी और बातनी फितनों से आफियत अता फरमा, हमें महफूज फरमा। तीसरे दिन आके वही सवाल करता है और आप फिर वही जवाब इरशाद फरमाते हैं। और साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फैज़ा उअतीत अल आफियत फि दुनिया व उअतीतहा फिल आखिरा, ऐ साइल अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मांगने के बाद दुनिया में और आखिरत के अंदर आफियत मिल जाए, फकत अफलहता, तुझसे ज्यादा फौजो फला और कामयाबी पाने वाला आदमी कोई नहीं। कामयाबियों का राज है वो आफियत के अंदर मुजमिर है अल्लाह ताला की तरफ से। चौथे नंबर पे सर्दी से बचाव की तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि अपने आप को बड़ा दलेर और बहादुर साबित करने के लिए अच्छी खासी सर्दी के अंदर भी वैसे फिरते रहे और बाद में जब वो मौसमी तब्दीली असरअंदाज हो फिर चारपाई पे लेट जाए और फिर नमाजें रह जाए इबादत जो है वो मुखर हो जाए। शरीयत ने इसीलिए हमें यह हुक्म दिया है कि इन्ना ली नफ्सी का अलैक हक्कन, तुम्हारी जान का तुम्हारे ऊपर हक है कि अपनी जान का, अपनी जात का तहफ्फुज करो, उसके हकूक है, उसकी हिफाजत की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब ताला हमें शरीयत इस्लामिया की तालीमात को समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی، گزشتہ جمعہ کے اندر جیسے ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ سردیوں کا موسم مومن آدمی کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو سردی کے موسم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اس اعتبار سے اٹھانا چاہیے کہ ہم سوموار کا، جمعرات کا یا ایام بیس کے روزے ہمیں ضرور رکھنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھ دیتا ہے اور پھر اس روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں، جہنم سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے. دن کو ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور راتوں کو بر وقت سو کے پچھلی رات اٹھ کے رب کی حضور گڑ گڑا کے تہجد اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. راتیں لمبی ہیں، نیند بآسانی پوری ہو سکتی ہے. ساری رات گلیوں کی زینت بننے کی بجائے، بازاروں میں دھکے کھانے کی بجائے انسان عشاء پڑھ کے بر وقت سو جائے اور نماز فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھ کے چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ صحیح، لیکن معمول بنا لیں کہ 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے نماز تہجد کا اہتمام ضرور کیا جائے. اور ساتواں کام جو کرنے والا ہے ان ایام میں جہاں ہمیں سردی لگتی ہے اور جیسے ہی سردی کی آمد ہوتی ہے ہم اپنے بارے میں بہتر سے بہتر لباس کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، گھر میں گیس کا اہتمام کرتے ہیں اور بہترین جرسیاں، سویٹر اور لباس گرم ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو سردی نہ لگ جائے. تو پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ دین خیر خائی والا، احساس والا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی باہمی محبت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس ایک حصے کی وجہ سے سارا جسم بے قرار رہتا ہے اور جب تک اس کو چین نہ آ جائے، سکون نہ آ جائے، راحت نہ پا لے، پورا جسم جو ہے وہ لاچار اور مضطر رہتا ہے. یہی پریشانی ہمیں اپنے دیگر تمام مسلمانوں کے بارے میں بھی ہونی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار پڑوسیوں میں سے، محلے داروں میں سے جو پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کے اندر نظر دوڑانی چاہیے. جہاں ہمیں غریب لوگ نظر آئیں اور ہمیں محسوس ہو کہ ان کے پاس سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں استطاعت دی ہے، بازار سے بالکل نیو چیزیں لا کے نہیں دے سکتے، تو کم از کم استعمال شدہ اچھی چیزیں لا کے وہی ان کو فراہم کر دیں یا ان کو پیسے دے دیے جائیں جس سے وہ اپنی دیگر ضروریات کو پورا کر سکیں. لیکن صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے رہنا اور دیگر مسلمانوں کی اذیت اور پریشانی پہ آنکھیں بند کر لینا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس مسلمان کی تمام تکلیف کو دور فرما دیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پریشانیاں نکل جائیں، آپ خدمت خلق کرنے لگ جائیں، رب تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام دکھ درد جو ہیں وہ دور فرما دیں گے. اور نواں کام پیارے بھائیو یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو تکالیف دینے سے اجتناب کیا جائے. کسی بھی اعتبار سے دوسرے مسلمانوں کو ہماری ذات سے اذیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل اور حقیقی مسلمان وہ ہے جو رب تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر بھی پورا اترتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان کی تکالیف سے دیگر مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. رب تعالیٰ ہمیں ان تمام تر اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت